नमस्कार, मैं वर्तिका राय और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। अब टीचर बनना आसान नहीं रहा, बनना है आपको बीपीएससी से टीचर तो कुछ बातों का खास ध्यान रखना पड़ेगा फॉर्म भरते समय। वो क्या बातें हैं, चलिए आपको बताते हैं विस्तार से, आप इस खबर के अंत तक जरूर बने रहें। अगर आप भी बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं तो तैयारी में अभी से लग जाएं। बीपीएससी ने टीचर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इस विज्ञापन के अनुसार शिक्षा विभाग के अंतर्गत अध्यापक के कुल 17,461 पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की शुरुआत 15 जून से हो रही है, तो वहीं अंतिम तिथि 12 जुलाई रखी गई है। आपको आगे बताते चले कि फॉर्म भरते समय कुछ महत्वपूर्ण निर्देश बीपीएससी की तरफ से जारी किए गए हैं, जो कि बीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर भी दिया गया है। बीपीएससी ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले दिशा निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर ही सही सही फॉर्म भरें। किसी भी प्रकार की गलती पाए जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। आपको आगे बताते चले कि अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, कोटि और परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के बाद ही ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करेंगे। वहीं ऑनलाइन आवेदन में अंकित ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और यूज़र नेम और पासवर्ड को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेदारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षा फल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अपने ही मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी अंकित करेंगे और किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अंकित नहीं करेंगे। आगे आके आपको बताते चले कि मात्र रजिस्ट्रेशन और परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से यह नहीं माना जाएगा कि अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन भर लिया गया है। इंटरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा, यानी अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतज़ार नहीं करेंगे और उसके पहले ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट और अच्छी तस्वीर वेबकैम के माध्यम से खींचकर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। वहीं अभ्यर्थी हिंदी और अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि जो फोटोग्राफ आवेदन में लगाएंगे उसकी 5 प्रतियां अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके। आगे आपको बताते चले कि इसके अतिरिक्त विज्ञापन से संबंधित सभी प्रमाण पत्र अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को डैशबोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखें। आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी और सभी संबंधित मूल प्रमाण पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो अब बीपीएससी के द्वारा जो भी टीचर का फॉर्म आप भरेंगे तो उनमें जो खास बात का ख्याल रखना है वो हमने आपको अपनी खबर के जरिए बता दिया। और बीपीएससी के द्वारा जो निर्देश जारी किया गया है वो आपको, और भी निर्देश आपको बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके मिलेगा। ऐसे ही और भी वीडियो और खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। न्यूज़ फॉर नेशन, नमस्कार।